यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डार्क साइड लेजेंड एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो हम फिर से लेके आ चुके हैं राइस्टर के बायोग्राफी के ऊपर पार्ट टू, और आज के वीडियो में हम वो बातें जानेंगे जो हमने पहले वीडियो में नहीं बताई थी, या फिर जो बातें हमें पहले वीडियो में नहीं पता थी। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारी बातें पता लगा लेंगे, और जो मैंने पहले वीडियो में नहीं बताया, जैसे उनका असली नाम क्या है, या फिर वो कहाँ से रहते हैं, या फिर कहाँ पे रहते हैं, एक्चुअल उस जगह का नाम क्या है, ये सारे बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा हो तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के बाद इन स्क्रीन में मैं वो दे दूंगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं। और अगर राइस्टर का फेस रिवील देखना चाहते हो तो मैंने उसका भी एक वीडियो बना रखा है, वो भी मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी देख लेना, मैं वो वीडियो भी आई बटन में दे दूंगा। और ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि इस वाले पार्ट में भी हम जो मतलब इन्फॉर्मेशन देंगे वो फुली लीक्स के ऊपर है, और जो मुझे बोला गया है मैं वही आपको बोलूंगा, और इसको आप एकदम परमानेंट और या फिर ऑफिशियल मत समझना, ये एक लीक है। तो पहले वाले पार्ट में हमने जो नहीं बोला था, जैसे कि राइस्टर का असली नेम क्या है, तो राइस्टर का असली नेम है अक्षय, तो उनका असली नेम है अक्षय, और वो कहाँ रहते हैं, तो मैंने बोला था वो केरला में रहते हैं और वो मलयाली है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि केरला के कहाँ पे रहते। तो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर ने बोला है कि वो रहते हैं केरला के कैसल हुड नाम के किसी गांव या फिर शहर पे। तो जिन्होंने मुझे ये बताया या फिर ये इन्फॉर्मेशन दिया है, उनका नाम है नाई आचू। तो बिग शाउट आउट फॉर दिस गाय। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम भी ऐसे शाउट आउट से लूँ, तो आप कोई भी कमेंट कर देना, अगर आपका कमेंट अच्छा हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को पिक करके उसको शाउट आउट दूंगा। तो अब राइस्टर का असली एज क्या है, तो कोई कोई बोलता है राइस्टर का एज है 15 साल, कोई कोई बोलता है राइस्टर का एज है 20 साल, यहाँ तक कि कोई कोई तो बोलता है राइस्टर का एज 80 साल है, तो वो तो पागल लोग है जो लोग बोलते हैं 80 साल का है। तो राइस्टर की असली उम्र है 18 साल, वो भी हमने बताया हमारे 19 सब्सक्राइबर फिर व्यूअर ने, जिनका नाम है नाई आचू। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि राइस्टर क्यों हमारे माइक में नहीं बात करते, और आज तक क्यों किसी ने उनका आवाज़ नहीं सुना, क्योंकि मलयाली है और उनका लैंग्वेज कुछ अलग है, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं करते। तो ये क्वेश्चन फिर से बहुत लोगों ने किया था कि वो कौन से डिवाइस में खेलते हैं, तो मैंने वो पार्ट वन में ही बोल रखा है, मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, वो पहले खेलते थे रेड मैजिक 3 में और अब खेलते हैं आईफोन 11 प्रो में। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि राइस्टर का एक यूट्यूब का चैनल भी है, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, मतलब ये जो बैकग्राउंड में ये जो वीडियो चल रहा है, ये राइस्टर का ही गेम प्ले है, और उनका चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए उनके चैनल को विजिट कर लीजिए, उनको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मन करे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं किसी भी व्यूअर को कभी भी फोर्स नहीं करती कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपका दिल किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लग रहा हो जो लीक्स में दे रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको जेन्युइन लग रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो आप हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और अगर आप लोगों ने पहले कभी राइस्टर का फेस नहीं देखा, या फिर किसी वीडियो में राइस्टर का फेस रिवील नहीं देखा, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने प्रोबेबली कहा कि ये राइस्टर का फेस हो सकता है, तो आप वो वीडियो भी देख लेना, और अगर मन करे तो उस वीडियो को भी जाके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया था इस वीडियो बनाने से पहले, वो क्वेश्चन था कि राइस्टर हैकर है कि नहीं है। तो भाई मैं पहले बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि राइस्टर हैकर है कि नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ क्लिप में तो लगता है राइस्टर हैकर है, और कुछ कुछ क्लिप में लगता है वो हैकर नहीं है। इस अभी तक तो मैं क्या बोलूँ, जीएसके भाई ने और बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना चुका है, तो मैं किसी को हिट नहीं फैला रहा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। और राइस्टर के गेम प्ले मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, और जहाँ तक है जीएसके की बात, तो जीएसके भाई का वीडियो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने तो कहा ही मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि भाई कहीं किसी को कभी मतलब क्या बोलूँ, हेटर मत बनो, अगर चाहे तो फैन बोलो लेकिन हेटर मत बनो, क्योंकि जो रियलिटी है वो हम में से किसी को नहीं पता क्या रियलिटी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है किसी को नहीं पता, इसलिए सबको सपोर्ट करो। और अगर किसी दिन ये प्रूफ हो गया तो हो गया, या फिर मैं तो कहूँगा सबको सपोर्ट करो और इस कम्युनिटी को आगे ले जाओ। यूट्यूब का कम्युनिटी बहुत ख़राब है फ्री फायर का, उसको जितना हो सके उतना सुधारने की कोशिश करो सभी के लिए, जो ऑडियंस है उनको भी मैं बोल रहा हूँ, और यूट्यूबर्स तो है ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और ये वीडियो आप लोग जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, शेयर करने में कोई रुकावट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब लोगों को बताइए कि राइस्टर असल में है कौन और उनका असली नाम क्या है। तो आज का वीडियो इतना सही, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो मैंने पहले ही बोला किसी को भी हेट मत करना, सबका फैन बनो, सब अच्छे हैं, और यूट्यूब कम्युनिटी को आगे ले जाओ। तो आज के इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, टाटा।
और आगे राइस्टर का गेम प्ले आप लोग एंजॉय कीजिए।